हाथ पकड़ के मेरा रूम में खींच लिया। मैं आपको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, ये है वो, मैं पुलिस वाला हूँ, ये बढ़िया आपकी झाड़ू, मैंने नहीं झाड़ू लगानी आपके बेड़े में, तो मैं ये बोल के बाहर आ गई। तो हमें उठ वो वापस हमें बोलने शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ मनदीप गौतम। चंडीगढ़ पुलिस आए दिन किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहती है। एक बार दोबारा चंडीगढ़ पुलिस सुर्खियों में है। कारण ये है कि एक युवती द्वारा चंडीगढ़ मुलाजिम पर आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। आइए क्या कुछ मामला है खुद हम जानते हैं उस महिला से। हाँ जी, आपका नाम? निशा। निशा जी, निशा जी, ये क्या कुछ मामला है जरा बताएंगे पूरा? सर, मैं यहाँ 23 में काम करती हूँ, झाड़ू वालों में लगी हूँ, सफाई कर रही हूँ। तो मैं एरिया कर रही थी, तो सफाई करते करते ये बंदा मेरे पास आया, कहते हैं हम मेरे बेड़े में झाड़ू लगा दो, और मेरी वाइफ नहीं है यहाँ पे, बाहर गई है, और काम वाली भी नहीं आई है, गंद पड़ा है काफ़ी। तो मैंने कहा सर मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं नहीं कर सकती काम आपका। कहते आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा काम है, 5 मिनट का काम है, आप कर दो। मैं कहते ठीक है सर, मैं मार देती हूँ झाड़ू लगाने के। जैसे कि टाइम पे मैं गई तो उन्होंने क्या करा, हाथ पकड़ के मेरा रूम में खींच लिया। हाँ जी सर, वो कहते हैं मैं आपको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, ये है वो, मैं पुलिस वाला हूँ, और मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है, और मैं ये कर दे दूँगा आपको, वो दे दूँगा। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये पड़ी आपकी झाड़ू, मैंने नहीं झाड़ू लगानी आपके बेड़े में। तो मैं ये बोल के बाहर आ गई। हाँ जी सर। तो इसके बाद आपने ये जो जानकारी है, मतलब कि आपके साथ जो भी हुआ, इसकी जानकारी किसको, अपनी घर वालों को दी या फिर अपने सफाई कर्मचारी के जितने कर्मचारी है उनको दी, किनको दी? सर मैंने अपने सर को बताया जो हमारी हाजिरी लगाते हैं, उनका नाम ये स्वामी बैठे हुए सर, वीरेंद्र सर। वीरेंद्र जी, आपने उनको इस बात की जानकारी दी? हाँ जी सर। ठीक है, तो इसके बाद अगला एक्शन क्या लिया आपने? सर ये आए हैं, एक मिनट दो सर। हाँ जी, इन्होंने फिर हमें बोला 16 नंबर पे फ़ोन कर दो। हाँ जी, हमने फिर 16 नंबर पे फ़ोन किया, फिर ऐसे ही सब इकट्ठे हुए घर में, तो हमें उठ वो वापस हमें ही बोलने शुरू कर दिया। तो फिर हम सर, पुलिस ने आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी उस तरह? उन्होंने सुनी है, पर चेक किया है उनका, उस बंदे का। FIR की गई इस बात की? हाँ जी सर। हाँ जी, तो इस पर आपको पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? सर इस बात का तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ना मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझे इसकी चीज़ की नॉलेज है, पर यह जब हम गए हमारी सुनवाई हुई थी वहाँ पे। हाँ जी, लेकिन अगर आप देखें कि अगर हमारे सोसाइटी में कुछ भी होता है तो उसकी रखवाली करने के लिए पुलिस वालों को अपॉइंट किया गया है, रखा गया है कि हमारे साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो हम पुलिस वाले के पास जाते हैं। लेकिन ऐसा मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पे तो पुलिस वाला ही कुछ गलत कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? सर अब जब पुलिस वाला ही ऐसा काम कर रहा है तो अब बताओ किसके पास जाए हम, ये तो बात कहने वाली है। ठीक है, तो अब समाज को ही कहेंगे, तो हमने अपने सर को बताया, वो आए तो उन्होंने मेरी सुनी है, सब इकट्ठे हुए हैं, तो हम गए चौकी में, तो कंप्लेंट तो होगी थी सर। तो इससे ये देखने में आता है कि अगर पुलिस ही हमारी सोसाइटी के लिए बनी है रक्षा करने के लिए, लेकिन अगर पुलिस ही रक्षक से भक्षक बन जाती है तो सोसाइटी में क्या होगा, क्या इम्प्रूवमेंट होगी? कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ मैं मनदीप गौतम, अर्थ प्रकाश न्यूज़ चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।